नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, यानी परीक्षा की रणनीति क्या रहेगी और हम डेली जो करेंगे वो क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम टारगेट बहुत लंबा लेकर के नहीं चलेंगे। ये नहीं करना हमें कि जी 6 महीने बाद ये करेंगे, 6 महीने बाद वो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हमें आज क्या करना है इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे कि हमें आज क्या करना है और वो चीज़ें हम डेली कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर दो एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, एक है NTPC और दूसरा है HSSC। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए हमारी क्लासें कैसी रहेगी? बिल्कुल अलग अलग क्लासें लेकर के चलेंगे। और किस तरह से आपके एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह हम डेली क्लास आपको देंगे और कौन सी क्लास आपकी होगी, तो जो NTPC है उसके लिए जो अभी आपकी पहल क्लासें चल रही हैं, जो बेसिक है चैप्टर वाइज है, ठीक है, जो आपकी चैप्टर वाइज बेसिक क्लास चल रही है, उसके बाद में क्या करते हैं हम, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपका प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। तो ये तो है आपकी NTPC के लिए। डेली क्लास आपको NTPC के लिए मिलेगी, बेसिक से जो चैप्टर चल रहे हैं आपके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कैसे आपको पढ़ना है क्या करना है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आप डेली क्लास लगाओगे तो आपके मैथ में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी आप मैथ की क्लास यहाँ से लगा लोगे एक भी नंबर नहीं कटेगा। बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हम पढ़ चुके हैं, यूनिट डिजिट नंबर और फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। यूनिट डिजिट नंबर के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, वो हम करेंगे। अब बात करते हैं हम HSSC के लिए क्या करेंगे। तो HSSC के लिए आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये आपकी डेली क्लास रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बेसिक करना है बच्चे, तो बेसिक तो यहाँ से चल रहा है ना। जिस बच्चे ने पहले नहीं क्लास लगाई है वो आपका बेसिक जिसको भी क्लियर करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि HSSC डिपेंड करता है कि जी जो पहले वाले क्वेश्चन आए हैं वही आएंगे। मेरी गारंटी है इस बात की कि आपके क्वेश्चन नहीं रुकेंगे एग्जाम में, और कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। इस तरह के इस लेवल की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो HSSC के लिए हमें क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और करेंगे कैसे, तो ये भी हम करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे हमने एक चैप्टर किया और पीछे जितने भी उस चैप्टर के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं, मैं आपको एग्जाम भी बताऊंगा कि ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे हमने परसेंटेज स्टार्ट कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन होगा उसके बाद में, यानी हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसके बाद में आपको टेंशन ये आ रही होगी कि जी जो नए चैप्टर आए हैं वो, तो हम सारे के सारे चैप्टर क्लियर करेंगे, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, ठीक है, जो भी आपके मैट्रिक्स का चैप्टर आया था, बिल्कुल जो सारे के सारे चैप्टर आए हैं वो हम HSSC के लिए कवर करेंगे। यहाँ पर लॉगरिथम भी रहेगा, परमोटेशन कॉम्बिनेशन भी रहेगा और आपकी प्रोबेबिलिटी भी रहेगी। सारे के सारे चैप्टर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बनते हैं यहाँ से हम कवर करेंगे HSSC के लिए। NTPC के लिए जो जो आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे बेसिक से पहले क्लियर करके फिर हम चैप्टर वाइज बेसिक जो चल रहा है उसके साथ साथ हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आपके लाइव टेस्ट भी होंगे यहाँ पर, तो आप तैयारी स्टार्ट कर दें। ये नहीं है कि एक साल बाद पेपर होगा तो हम 6 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हर आखिरी चोट यही सिर्फ जुम्मेवार नहीं होती पत्थर के टूटने के लिए, ठीक है, सारी चोटें जो लगी हैं उससे पहले वो भी जुम्मेवार होती हैं। तो आपकी जो सक्सेस है, अगर आप अब फेल हो रहे हो तो वो फेल होना भी आपको ये सिखा रहा है कि आप कब तक सक्सेस होगी। अगर लगे रहोगे तो सक्सेस होगी, ठीक है। जितना कुआं गहरा होता है उतना ही मीठा पानी मिलता है। तो जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतने ही ज़्यादा आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी। तो साथ बने रहो, बिल्कुल हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप
तैयारी स्टार्ट कर दो, आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें स्ट्रेटेजी बनानी क्या है, वो मेरा काम है, मैं बनाऊंगा। आपको वीडियो मिलेगी, सुबह मिलेगी 7 बजे और शाम को मिलेगी 7 बजे। हर दिन आपको 2 वीडियो मिलेगी, सुबह और शाम को 7 बजे। ये आप करते रहना, मैथ की गारंटी मेरी है, मैथ में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मैथ में कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके NTPC और HSSC दोनों एग्ज़ाम हैं तो ये दोनों क्लास आप देख करके चलो, ठीक है। अगर आपके दोनों एग्ज़ाम हैं और या फिर आपके कोई भी एग्ज़ाम हैं तो आप, अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम हैं तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्लासें देखनी है। एक बार अगर आपने ये क्लासें देख ली तो आपके स्टेट लेवल और सेंटर लेवल दोनों के आपके एग्ज़ाम में मैथ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि जब हम चैप्टर कर लेंगे, उसका बेसिक कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे वो HSSC है, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो HSSC है, भाई प्रीवियस ईयर इतने क्वेश्चन हो गए हैं इनके कि इससे नया क्या पूछेंगे। GK होता, करंट अफेयर होता, वहाँ से नए क्वेश्चन आ सकते हैं। मैथ में नए क्वेश्चन क्या आएंगे? अब आप कहोगे HSSC में तो जी आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब कहाँ से आएंगे, ठीक है। वो जिम्मेवारी मेरी है कि जो भी चैप्टर आपका, चाहे उस चैप्टर का कभी एक क्वेश्चन भी आया हुआ हो, उसको भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जी सुबह 7 बजे आना, शाम को भी 7 बजे आना, दोनों क्लासें आपको देखनी है। कुछ टाइम के बाद हम लाइव टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही देख रहे हो कि हमें क्लासें मिल गई, हमने देख लिया। जब जैसे हमने यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट किया है, तो जब ये बेसिक यानी हमने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया, तो नंबर सिस्टम जब आपका ख़त्म होगा, जब आपका नंबर सिस्टम ख़त्म होगा तो हम एक पूरे नंबर सिस्टम का टेस्ट लेंगे, वो भी लाइव, और उसमें आपका क्या होगा, पूरे नंबर सिस्टम की रिवीजन होगी। तो किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपको मिलेगी PDF, जो भी आपकी क्लास होगी उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी PDF भी आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पर जाना है, चैनल आपको ज्वाइन करना है, मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बच्चे पूरी की पूरी जितनी आपके PDF होंगी, चाहे हमने वो क्वेश्चन लगाए हैं उसकी PDF हो, चाहे वो हमने उसका सॉल्यूशन किया है उसकी PDF हो, हर चैप्टर की आपको PDF मिलेगी। दूसरा, अगर आपको हर चैप्टर की PDF मिल रही है, उसके अलावा भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी यहाँ पर PDF दूंगा। यहाँ पर पोल भी मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे होते हैं ना ऑडियंस पोल, KBC देखेगा, देखा होगा आपने कौन बनेगा करोड़पति, है ना, तो अब कौन बनेगा जॉबपति, करना है तो ये करना पड़ेगा, और ये करोगे तो मेरी गारंटी है डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगर आपको ये करना है तो यहाँ पर आपको डेली पोल्स भी मिल जाएंगे, 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको डेली दूंगा और वहाँ पर उनके आपको आंसर करने हैं, और बहुत से क्वेश्चन वहाँ से वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। पोल में जो क्वेश्चन लगाए जाएंगे, मैं वो क्वेश्चन वहाँ पर लगाऊंगा जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन हम वहाँ पर लगाएंगे। तो जो बार बार रिपीट होते हैं वो फिर भी तो आएंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन किस टाइप के मिलेंगे, जो हमने पोल में लगाए हैं, ठीक है। तो मेरी गारंटी है, अगर आपने शुरुआत करनी है, अगर आपको मैथ नहीं आता है, आप मैथ में बिल्कुल जीरो हो, तो हीरो बनने का टाइम आ गया, और हीरो बनोगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब अगर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़कर चलते हो, आप ये मानते हो ना कि कोई भी सब्जेक्ट मैं छोड़ दूंगा, तो आपकी वो मूर्खता है, आपको बेसिक जो बीच का आपका
जो लेवल है जिसमें हर बच्चा 50% हर सब्जेक्ट में स्कोर करता है, तो वो 50% तो आपको हर जगह स्कोर करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ दिया कि इसको छोड़ देते हैं यार, इसको इसमें से क्वेश्चन आएंगे तो कोई बात नहीं, गलत हो जाएंगे, बाकी कर लेते हैं, तो बाकी क्या करोगे? आपकी प्लानिंग क्या रहती है कि जी आपको जीके, हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आपके 20 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, आप इनको 25 तैयार करने में लग जाते हो कि हमें तो 25 में से 25 लेने हैं। क्यों भाई, आप 10 में से 5 मैथ में ले लो, नंबर तो यही 5 है ना, ये तो है नहीं कि आपने मैथ में 5 लिए हैं तो आपको 2 मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है, तो ये नंबर भी 5 है। इन 5 को तैयार करने में अगर आपको 4 महीने लगते हैं तो इन 5 को तैयार करने में आपको 15 दिन लगेंगे, क्योंकि 50% तैयार होने में, शुरुआत के 50% तैयार होने में अगर आपने महीना लिया है तो 50 से 60% होने में ही आपको एक महीना और लग जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम होता है 60% ईजी होता है, 20% मॉडरेट होता है और 20% आपका हार्ड होता है। तो 60% तो सब बच्चे करते हैं, तो उस 60% के लिए 10 में से 6 क्वेश्चन तो यहाँ भी ठीक करने पड़ेंगे ना, फिर आप खेलना कि आप 25 में से 25 ले रहे हो, तो ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आप हार्ड भी ठीक कर रहे हो, मॉडरेट भी ठीक कर रहे हो, ठीक है। 60 क्वेश्चन से कम तो किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ गई नहीं होगी, ठीक है, जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 60 क्वेश्चन से कम नहीं गई होगी, तो हमें तैयार करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैथ तैयार करना है तो HSSC और NTPC की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम स्टार्ट करेंगे इसी तरीके से, कल से हम फिर से स्टार्ट करते हैं सुबह और शाम को 7 बजे, याद रखना वीडियो आपको मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको कोई भी कमी लगती है या फिर आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हो अपनी तरफ से तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि हमें इस तरह से करना चाहिए, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।